लक्ष्मी ने बचाया ऋषि की जान, लेकिन यहाँ पे घर वाले इल्जाम लगाते हैं लक्ष्मी के ऊपर कि जो कुछ हुआ लक्ष्मी के कारण हुआ, लेकिन फिर भी लक्ष्मी ऋषि के ऊपर हक जताना नहीं भूलती है और ऋषि का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाती है। अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जैसे ऋषि यहाँ डेकोरेशन का काम कर रहा होता है, उसकी सीढ़ी टूट जाती है और तभी लक्ष्मी जाके पकड़ लेती है सीढ़ी को, फिर ऋषि गिर जाता है लक्ष्मी के ऊपर। दोनों 5 मिनट तक एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, दोनों भूल जाते हैं कि आसपास सारे फैमिली के मेंबर खड़े हुए हैं, वहीं ऋषि भी बस लक्ष्मी को ही देख रहा होता है। लेकिन तभी मलिष्का का खून खौल उठता है। मलिष्का आती है ऋषि को कहती है ऋषि उठ जाओ, और ऋषि को उठा देती है। घर वाले वहाँ लक्ष्मी को खरी खोटी सुनाते हैं कि ये सब तुमने जानबूझ कर किया, जब भी तुम ऋषि के करीब आती हो कुछ ऐसा ही होता है, तुम ऋषि के पास क्यों आती हो, तुम्हें इसके पास नहीं आना चाहिए। और यहाँ सब लोग एक एक करके लक्ष्मी को सुना देते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी अपना हक जताना नहीं भूलती है। ऋषि के हाथ में चोट लगी होती है, वो ऋषि को पकड़ कर खींचती है साइड में, और तभी आयुष्य कहती है कि आकर उसकी मदद करे, और ऋषि के हाथ में वो मलम पट्टी भी कर देती है। सारे घर वाले देखते रह जाते कि लक्ष्मी अपना पूरा हक जता रही है ऋषि के ऊपर, और तभी वहाँ पे कोई कुछ नहीं कह पाता, सब खड़े होकर बस देख ही रहे होते। मलिष्का को देख कर आता है गुस्सा, मलिष्का नाराज होकर वहाँ से चली जाने वाली है। तभी वहाँ पे एंगेजमेंट की रिंग लेकर ज्वेलर्स पहुँच जाता है, सभी घर वाले वहाँ पे ज्वेलरी सेलेक्ट करने लगते हैं। वहीं आपको देखने को मिलेगा वो सबको एक एक बॉक्स पकड़ाएगा, एक ऋषि के हाथ में होगा, एक नीलम के हाथ में होगा, एक करिश्मा बुआ के हाथ में होगा। वहीं देखेंगे ज्वेलर जो है एक बॉक्स लक्ष्मी के हाथ में भी देने वाला होता है, और यहाँ पे कहते हैं कि एंगेजमेंट की रिंग आप लोग सेलेक्ट कर लें।